बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें डिस्कस करना है कोकोमो, यानी कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। कोकोमो एक कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक है, जैसा कि इसका जो नाम है एब्रीविएशन है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल का। ये एक एल्गोरिथमिक सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक है, यानी एक स्पेसिफिक किस्म के एल्गोरिथम पे बेस कर रही है, और ये बैरी बोहम ने डिफाइन की थी। ये मॉडल जो है कोकोमो, ये इसका जो मेन बेसिक्स है वो रिग्रेशन फॉर्मूला है, उसको कुछ पैरामीटर्स एडिशनल शामिल करके यूज किया जाता है। यानी इसका जो फॉर्मूला बनाया गया है उसका जो बेसिस है वो रिग्रेशन का फॉर्मूला है, और उसमें हम कुछ एडिशनल पैरामीटर्स ऐड कर लेते हैं। वो जो एडिशनल पैरामीटर हैं वो आपके हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट डेटा होते हैं, या करंट प्रोजेक्ट्स हैं, या जो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स हैं उनकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको हम शामिल करते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट एस्टिमेशन मिल सके या नियर टू एग्जैक्ट एस्टिमेशन मिल सके। 1981 में एज अ मॉडल पब्लिश किया गया था बोहम की तरफ से, और इनिशियली जो पब्लिश किया गया था ये बेस कर रहा था 63 प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट्स के ऊपर। ये जो स्टडी थी इसने डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स को एग्जामिन किया था, इसकी ऑब्जर्वेशंस ली थी, जिसमें कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जो कि 2000 लाइन ऑफ कोड पे कंसिस्ट करते थे, और कुछ प्रोजेक्ट जो थे वो 100,000 लाइन ऑफ कोड पे कंसिस्ट करते थे। यानी मल्टीपल रेंजेस ऑफ प्रोजेक्ट्स थे, और उन प्रोजेक्ट्स में डिफरेंट लैंग्वेजेस के प्रोजेक्ट्स भी शामिल थे, कि असेंबली लैंग्वेज से लेकर नॉर्मल जो प्रोग्रामेबल लैंग्वेजेस हैं वो इंटरेक्टिव लैंग्वेजेस वो भी शामिल थे। सो हम ये कह सकते हैं कि इसके रिजल्ट्स जो हैं वो ना सिर्फ साइज स्पेसिफिक थे बल्कि लैंग्वेजेस से भी इंडिपेंडेंट थे। दीज प्रोजेक्ट्स आर बेस्ड ऑन वाटरफॉल मॉडल। अब जो इसकी रिस्ट्रिक्शन ये थी कि उस टाइम में 1980s में जो मोस्टली मॉडल यूज किया जा रहा था एसटीएलसी, वो सिर्फ वाटरफॉल मौजूद था। सो इसलिए जो मोस्टली प्रोजेक्ट्स बनाए गए थे जिनके ऊपर ये बेस करा था वो वाटरफॉल बेस्ड ही थे। तीन लेवल्स डिफाइन किए गए हैं इस मॉडल में, बेसिक, इंटरमीडिएट और डिटेल्ड। कुछ प्रोजेक्ट्स आपके बेसिक लेवल के उसमें आएंगे मॉडल में, इस पे यानी बेसिक मॉडल इम्प्लीमेंट होगा। अब बेसिक मॉडल जो है उसमें सिंगल वैल्यू यूज की जाती है, यानी आप सिर्फ लाइन ऑफ कोड्स को जो है वो यूज करते हैं, प्रोग्राम साइज को यूज करते हैं। जो लाइन ऑफ कोड्स है इन्हें हम कहते हैं डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शन DSI, और इसके अंदर जो चीज मेजर की जाती है वो है ये थाउजेंड्स, यानी किलो डिलीवर्ड सोर्स इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, KDSI का हम वर्ड यूज करेंगे। सो बेसिक के अंदर सिर्फ एक वैल्यू काउंट की जाती है, वो कितने KDSIs हम यूज कर रहे हैं। जो इंटरमीडिएट लेवल है, इंटरमीडिएट मॉड है, इसके अंदर हम ना सिर्फ प्रोग्राम का साइज, यानी ना सिर्फ हम KDSI यूज करते हैं बल्कि कुछ और कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, यानी टोटल 15 कॉस्ट ड्राइवर्स हैं जिनको हम ऐड करते हैं फॉर्मूला के अंदर। उसके अंदर हमारे पास ना सिर्फ सब्जेक्टिव असेसमेंट आई थी प्रोडक्ट की, हार्डवेयर की, और जो टीम काम करी है उसकी, बल्कि प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स भी आ जाते हैं 15 कॉस्ट ड्राइवर्स के अंदर। यानी इंटरमीडिएट जो मॉड है वो ज्यादा डिटेल्ड है एज कम्पेयर टू द बेसिक वन। जो डिटेल्ड मॉड है उसके अंदर आप ना सिर्फ इंटरमीडिएट वर्जन जो था उसको शामिल करते हैं, बल्कि आप कुछ और कॉस्ट ड्राइवर्स जो है उनका इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर है, डिफरेंट स्टेप्स के ऊपर, एनालिसिस के ऊपर, डिजाइन के ऊपर, इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा इन कॉस्ट ड्राइवर्स का जो कि हमने यहाँ पे ऐड किए थे, उस इम्पैक्ट को भी कंसिडर करते हैं। सो डिटेल्ड वाले में ना सिर्फ इंटरमीडिएट की इंफॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट की जाती है, यानी प्रोग्राम का साइज, कॉस्ट ड्राइवर्स, बल्कि एक और चीज भी ऐड कर ली गई है कि कॉस्ट ड्राइवर्स का इम्पैक्ट क्या होगा एनालिसिस पे, डिजाइन पे, इस फैक्टर को भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है। इसकी मॉड ऑफ डेवलपमेंट क्या है? मॉड ऑफ डेवलपमेंट हमारे पास अगेन 3 टाइप्स की है। ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, या एम्बेडेड हो सकते हैं। ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट वो प्रोजेक्ट होंगे जो छोटी टीम्स के साथ होंगे, और टीम मेंबर्स जो हैं वो अच्छे एक्सपीरियंस्ड होंगे, और हमारे पास रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो रिजिड नहीं होंगी, वो उनको उन प्रोजेक्ट्स को हम कहेंगे ये ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स हैं, उनके ऊपर ऑर्गेनिक की जो वैल्यूज हैं वो अप्लाई होंगी। जो सेमी डिटैच्ड प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमारे पास टीम्स जो हैं वो मीडियम लेवल की, यानी हमारे पास अगर बड़ी टीम्स हैं, बड़े प्रोजेक्ट्स हैं,
और टीम का एक्सपीरियंस मिक्स्ड है. मिक्स्ड मीन्स के कुछ टीम मेंबर्स बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, कुछ टीम मेंबर्स ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं है, यानी मिक्स्ड टीम्स हमारे पास हैं. तो उस सिनेरियो के लिए हम सेमी डिटैच्ड मॉड यूज करेंगे डेवलपमेंट का, और इसमें जो है वो कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिड एंड लेस रिजिड रिक्वायरमेंट्स होती हैं. कुछ रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो ज्यादा रिजिड होती हैं और कुछ जो हैं वो कम रिजिड होती हैं. अगर ये सूरत हाल हो तो हम हमारा जो मॉड ऑफ डेवलपमेंट है वो होगा सेमी डिटैच्ड. जो थर्ड मॉड है वो है एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स. एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स में क्या होता है कि हमारे पास कंस्ट्रेंट्स बहुत टाइट हैं, वी आर रिस्ट्रिक्टेड एंड बाउंडेड टाइटली. और ये ऑर्गेनिक और सेमी डिटैच का कम्बिनेशन भी है, यानी आपके पास मीडियम भी हो सकती है. कुछ मेंबर्स कुछ का एक्सपीरियंस जो है वो बिल्कुल गुजारे लायक हो सकता है, कुछ का एक्सपीरियंस अच्छा भी हो सकता है. इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है. बट हमारे पास जो लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट्स हैं वो बहुत टाइट हैं, हमें टाइम भी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, हमें रिक्वायरमेंट्स भी बहुत एज इट इज फॉलो करनी है. तो उस सूरत हाल में हमारा जो प्रोजेक्ट होगा वो उसकी मॉड ऑफ डेवलपमेंट होगा एम्बेडेड. अब ये तीन मॉड्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारा प्रोजेक्ट या तो ऑर्गेनिक होगा या सेमी डिटैच्ड होगा या एम्बेडेड होगा. इनमें से कोई भी आपका जो मॉड आपके प्रोजेक्ट के लिए ट्रू होगा उसके लिए कुछ वेरिएबल्स हैं, यानी उनकी वैल्यूज डिफर करेंगे. हम इसलिए स्टडी कर रहे हैं वो वेरिएबल्स कौन से हैं. वो वेरिएबल्स अभी आगे आएंगे हमारे पास. हमने कहा ये जो चीजें भी हमने डिस्कस की थी उनको हमने समराइज फॉर्म में इस टेबल में शो कर दिया है. हमने अभी जो डिस्कस किए हैं कि ऑर्गेनिक में जो प्रोजेक्ट का साइज है वो स्मॉल होगा, टीम का साइज स्मॉल होगा, इनोवेशन कम की जाएगी, प्रोजेक्ट की कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ज़्यादा टाइट नहीं होंगी और इन्वायरमेंट स्टेबल होगा. सेमी डिटैच्ड में साइज मीडियम होगा प्रोजेक्ट का, इनोवेशन भी मीडियम लेवल की होगी, डेडलाइंस भी नॉर्मल सी हैं, ज़्यादा हाई ज़्यादा टाइट नहीं है, इन्वायरमेंट भी हमारे लिए नॉर्मल और फ्लेक्सिबल ज़्यादा नहीं होगा. एम्बेडेड में आ जाएगा कि प्रोजेक्ट का जो हमारा साइज है वो लार्ज है, टीम का साइज लार्ज है, इनोवेशन हमें ज़्यादा करनी है, हमारी डेडलाइंस और कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा टाइट हैं, और इन्वायरमेंट जो है उसमें कम्प्लेक्स हार्डवेयर और कस्टमर इंटरफेसेस जो हैं वो कम्प्लेक्स बन रहे हैं. सो इनमें से कोई एक चीज़ जो है वो आपके सिनेरियो के प्रोजेक्ट के लिए जो ट्रू होगी उसके लिए आप कहेंगे कि हमारा प्रोजेक्ट या तो एम्बेडेड मॉड में आएगा या सेमी डिटैच में आएगा या ऑर्गेनिक में आएगा. ये जो थ्री मॉड्स हमने कहे थे ये बेसिकली कंसिस्ट करते हैं एट करेक्टरिस्टिक्स के ऊपर. ये जो एट करेक्टरिस्टिक्स है हमने इनको अल्फाबेटिकली नंबर कर दिया है ए बी सी से लेके एच तक. जो ए वाला फैक्टर है वो है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव कितनी ज्यादा है टीम को. बी वाला फैक्टर इज कि टीम का एक्सपीरियंस कितना है उस टाइप के मिलते जुलते प्रोजेक्ट्स के साथ. सी फैक्टर इज कि प्रोजेक्ट कि जो इस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट के साथ कंफर्म करने की जरूरत है, यानी हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट टू द कस्टमर के जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो इस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट्स के साथ मीट अप करें, उनके साथ अलाइन हो, हाउ मच इट इज इम्पॉर्टेंट. जो डी फैक्टर है वो ये है कि हाउ मच इट इज नीडेड कि इस्टेब्लिश इंटरफेसिस के साथ प्रोजेक्ट को कन्फर्म किया जाए, यानी एग्जिस्टिंग इंटरफेसिस के साथ आपने उसको अलाइन करना है, ये कितना ज्यादा जरूरी है. E factor is project developed with new operational environment, अगर ऐसा कुछ scenario है. F factor is how much it is needed के हमें कोई new technology या architecture require है. G factor says that project की schedule की integrity बहुत important है और वो उसको हमें maintain करना है if that is the condition. H factor is the size and the range के project है वो small है, medium है या large है. तो ये एट फैक्टर्स हैं, इनकी बेसिस के ऊपर हम डिफाइन करते हैं कि हमारा मॉड जो है वो ऑर्गेनिक होगा, सेमी डिटैच्ड होगा या जो थर्ड मॉड है वो होगा एम्बेडेड. सो एट करेक्टरिस्टिक्स हैं, इसको हमने फर्दर अगर एक समराइज्ड फॉर्म में हम ले आते हैं उसमें हमें इजीनेस हो जाएगी डिफाइन करने में. हमारा जो यहाँ पे हमारे करेक्टरिस्टिक्स आ रही हैं एट और यहाँ पे हमारे पास मॉड्स आ रहे हैं. सो जो अंडरस्टैंडिंग रिक्वायर्ड थी प्रोजेक्ट के लिए ऑर्गेनिक में हमें बहुत ज़्यादा अगर अंडरस्टैंडिंग है तो मॉड हमारा ऑर्गेनिक होगा. अगर हमें नॉर्मल किस्म की अंडरस्टैंडिंग है तो सेमी डिटैच्ड मॉड होगा. अगर हमारे पास जेनेरिक डिटेल्स है सिर्फ, हमें ज़्यादा डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो हमारा मॉड एम्बेडेड होगा.
इस तरह से एक्सपीरियंस प्रीवियस प्रोजेक्ट्स के साथ सिमिलर प्रोजेक्ट्स एक्सपीरियंस जो है वो किस लेवल का है, एक्सटेंसिव है या कुछ हद तक है या बिल्कुल भी नहीं है, उसके हिसाब से हम ऑर्गेनिक, सेमी डिटैच्ड या एम्बेडेड डिफाइन करेंगे। देन रिक्वायरमेंट की कंफॉर्मेंस जो है वो कितनी ज्यादा हमें रिक्वायर है, कि सिर्फ हमें बेसिक रिक्वायरमेंट्स को कंफर्म करना है या मोर देन बेसिक्स को कंफर्म करना है या सारी की सारी रिक्वायरमेंट्स को हमें कंफर्म करना है रिक्वायरमेंट्स के साथ, तो ये हमें एम्बेडेड मोड में आ जाएगा। तो ये हमारे पास लेवल्स डिफाइन हो रहे हैं कि अगर हमारे पास इंटरफेसिस की कंफॉर्मेंस हमें सिर्फ बेसिक वन की चाहिए तो आपका जो प्रोजेक्ट मोड है वो ऑर्गेनिक होगा। अगर आप में मोर देन बेसिक्स यानी आपको एवरेज टाइप की कंफॉर्मेंस चाहिए लेकिन बेसिक से ज्यादा चाहिए तो आपका जो मॉड है वो सेमी डिटैच्ड होगा, और अगर आपको तमाम के तमाम इंटरफेसेस को कंफर्म करना है तो आपका मॉड होगा एम्बेडेड। इसी तरह से न्यू ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत चाहिए तो ऑर्गेनिक है, अगर आपको मॉडरेट अमाउंट में चाहिए तो सेमी डिटैच्ड है, अगर आपको एम्बेडेड यानी एक्सटेंसिव अमाउंट में चाहिए तो आपका मॉड एम्बेडेड होगा। देन न्यू टेक्नोलॉजी या मेथोडोलॉजी कितनी रिक्वायर है, या तो बिल्कुल नहीं रिक्वायर तो ऑर्गेनिक है यानी सिंपल है, अगर आपको कुछ हद तक रिक्वायर है तो आपका मॉड सेमी डिटैच्ड होगा, अगर आपको बहुत ज्यादा हद तक रिक्वायर है तो आपका मॉड जो है वो एम्बेडेड होगा। इसी तरह से स्केजुअल की इंटेग्रिटी कितनी है, लो है, मीडियम है या बहुत ज्यादा यू आर फोकसिंग ऑन द स्केजुअल, उसके हिसाब से आप अपना मॉड डिफाइन कर देंगे। देन साइज, अगर आपकी जो लाइन ऑफ कोड है वो 50,000 से कम है तो ऑर्गेनिक मॉड होगा, अगर 50,000 से 300,000 के दरमियान है तो आपका जो है वो सेमी डिटैच्ड होगा, और अगर आपके पास जो है इससे ज्यादा साइजेस जो है एग्जिस्ट कर रहे हैं, इससे बड़ा साइज है, देन आपके पास एम्बेडेड मॉड होगा। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए वी नीड टू हैव सम फॉर्मूलाज। फॉर्मूलाज क्या है, हमारे पास एक फॉर्मूला है एफर्ट कैलकुलेशन का, जेनेरिक फॉर्मूला है ए इंटू बी इंटू साइज एक्सपोनेंट टू सी, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए इंटू साइज एक्सपोनेंट टू सी एंड दिस होल फैक्टर इंटू बी। प्लीज अपनी वीडियोस बंद कर दें जिन लोगों ने वीडियोस ऑन किए हुए हैं। ये जो हमारे पास फॉर्मूला में आ गए हैं वैल्यूज, ये वैल्यूज क्या है, ए इज द स्केलिंग कॉफिशियंट, बी इज द कॉफिशियंट बेस्ड अपॉन द 15 पैरामीटर्स जो हमने भी प्रीवियसली देखे हैं, 15 पैरामीटर्स कौन कौन से थे, सी हमारे पास एक स्केलिंग फैक्टर है प्रोसेस के लिए, और जो हमारे पास साइज है जिसकी हम बात करें यहाँ पर वो हमारे पास लाइन ऑफ कोड्स की फॉर्म में मेंशन किया जाएगा कि कितनी 1000 लाइन ऑफ कोड्स हैं, 1000 लाइन ऑफ कोड हैं, 2 हैं या 3 हैं या कितने भी हैं। और एक और फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो है टाइम कैलकुलेशन का, टाइम के लिए एक फैक्टर है डी इंटू एफर्ट एक्सपोनेंट ई, टाइम टोटल नंबर ऑफ मंथ्स हमें कितने रिक्वायर होंगे वो हमें कैलकुलेट करके देगा, डी क्या है कॉन्स्टेंट स्केलिंग फैक्टर है स्केड्यूल के लिए, ई हमारे पास एक कॉफिशियंट है जो कि ये डिफाइन करेगा कि हम कितने पैरेलल पे प्रोजेक्ट जो है वो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हमने देख ली, एफर्ट की और टाइम की। अब कोकोमो 1 की तरफ आते हैं कि कोकोमो 1 को हमने कैलकुलेट कैसे करना है, जिसके बारे में बैकग्राउंड क्या था कि 56 प्रोजेक्ट के ऊपर बेस कर रहा था, 3 मॉड्स से हमने डिस्कस कर लिए। अब आ जाते हैं इसकी वैल्यूज के ऊपर, हमारे पास कुछ वैल्यूज जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं कोकोमो की। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक मॉड है, प्रोजेक्ट हमारा ऑर्गेनिक मॉड के अंदर फॉल कर रहा है, तो ए की वैल्यू 3.2 होगी, सी की वैल्यू 1.05 होगी, डी की वैल्यू 2.5 होगी, ई की वैल्यू 0.38 होगी, और ये वो वेरिएबल्स है जो हमें यहाँ पे इक्वेशन में पुट इन करने हैं। इस तरह से अगर हमारा प्रोजेक्ट सेमी डिटैच में फॉलो कर रहा है तो ये वैल्यूज गिवन है ए सी डी ई की, अगर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो एम्बेडेड की कैटेगरी में फॉल कर रहा है तो हमारी वैल्यूज इन वेरिएबल्स की ये होंगी जो हम इक्वेशन में पुट करेंगे इन दोनों में।
और इनको हमने फाइंड कैसे करना है ये हम अभी प्रीवियसली देख चुके हैं कि प्रोजेक्ट ऑर्गेनिक कब होगा, सेमी डिटैच्ड कब होगा, एम्बेडेड कब होगा. ठीक है, सो ये तो हो गई ए सी डी और ई वेरिएबल्स. बी वेरिएबल का क्या? वेल, बी वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए हमें अगेन ये टेबल गिवन है, उसमें बी कोफिशिएंट जो है वो हमने कहा था कि 15 पैरामीटर्स के ऊपर बेस करेगा. तो ये जो 15 पैरामीटर्स हैं वो कुछ उसमें से प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स हैं, कुछ और एट्रीब्यूट्स हैं. तो उनको देखते हैं वो कौन कौन से हैं और उनके वैल्यूज क्या हैं. उनकी वैल्यूज की जो रेंजेस हैं वो वेरी लो होंगी या फिर या लो होंगी या नॉमिनल अगर होगा तो उसके लिए ये वाली रेंजेस हैं. अगर हाई होगा तो ये रेंजेस गिवन है यहाँ पर. अगर वेरी हाई करेंगे तो ये रेंजेस हैं. अगर एक्स्ट्रा हाई है तो हमें ये वैल्यूज यहाँ पे देनी है. ठीक है, इन 15 पैरामीटर्स को हमने वैल्यू इस तरह से साइन करनी है. 15 पैरामीटर्स हैं कौन से? नंबर वन इज जो कि प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स की कैटेगरी में फॉल करता है, सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी कितनी रिक्वायर्ड. अगर बहुत लो है तो हम इसको कहेंगे कि 0.75 इसके वैल्यू दे दें बी की. अगर हम कह रहे कि नहीं सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी हमें लो रिक्वायर है तो हम 0.88 दे देंगे. अगर सॉफ्टवेयर की रिलायबिलिटी हमें नॉमिनल रिक्वायर है कि वी नीड इट बट नॉट टू मच हाई बट नॉट टू मच लो, यानी एवरेज, नॉमिनल को हम एवरेज कह सकते हैं, तो उसमें हम वैल्यू 1 दे देंगे. अगर हम कह रहे हैं कि जो रिलायबिलिटी है उसकी वैल्यू बहुत हाई होनी चाहिए तो इसकी वैल्यू 1.15 आ जाएगी. अगर हम वेरी हाई की बात करते हैं तो 1.40 आ जाएगी. एक्स्ट्रा हाई में ये डिफाइन नहीं की गई है. ठीक है, वेरी हाई तक हम इसको मोस्टली वैल्यूज को हम वेरी हाई तक डिफाइन कर रहे हैं. एक्स्ट्रा हाई में बहुत कम वैल्यूज जा रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ वैल्यूज यहाँ पे ब्लैंक हैं. इस तरह से डेटाबेस का साइज वेरी लो में एग्जिस्ट हमारे पास वैल्यू नहीं कर रही है. अगर लो है हमें कि नहीं हमें रिक्वायर है बट उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है तो 0.94 आ जाएगी बी की वैल्यू. और अगर हमें जो है वो ज्यादा रिक्वायर एवरेज रिक्वायर है तो 1 आ जाएगी. अब आप नोट करें अगर हमें नॉमिनल वैल्यू रिक्वायर है तो यहाँ पे तमाम की तमाम वैल्यूज 1 आ रही हैं. ठीक है, और लो में वैल्यूज 1 से कम है और हाई में वैल्यू सारी के सारी 1 से अबव होंगी. बेशक 1.06 की ही बात करें आप, वैल्यू जो है वो 1 से अबव मिलेगी आपको. ठीक है, तो इस तरह से हमने डेटाबेस का साइज, प्रोडक्ट कम्प्लेक्सिटी, उसमें कौन से वाली कंडीशन हमारे लिए ट्रू हो रही है हम उसमें वो वाली लिख लेंगे. देन कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स कौन से हैं, एग्जीक्यूशन टाइम कंस्ट्रेंट्स हमारे पास क्या है, मिनिमम मेन स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स क्या है, और वर्चुअल मशीन की वॉलीटेलिटी क्या है हमारे पास, कंप्यूटर के टर्न अराउंड टाइम क्या है. इन फैक्टर्स को हम देखेंगे कि हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंस है किस किस चीज की. वेरी लो में ये फैक्टर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं बिकॉज ये फैक्टर्स जो हैं वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट में कंसिडर किए जाएंगे तो वो वैल्यूज आ जाएंगे उसके अकॉर्डिंगली. इस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं तो बी के वैल्यू आप उस तरह से मैनेज कर लेंगे. और ये जो वैल्यूज इनको हमने सबका इनको मल्टीप्लाई करना है. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रिलायबिलिटी 0.75 है, हमारे पास डेटाबेस का साइज हमें 0.94 चाहिए, और या हमें लेट्स से हमें यहाँ पे ये वाली चीज आ रही है इट इज वेरी मच हाई, तो हम इसको और 0.85 को और इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू बी की इनका प्रोडक्ट आएगा. ठीक है, कुछ पर्सनल एट्रीब्यूट्स हो जाएंगे बी के, हमारे पास एनालिस्ट की कैपेबिलिटीज अगर बहुत लो किस्म का है यानी कि ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो 1.46 वैल्यू हो जाएगी बी की. अगर वो एक्सपीरियंस थोड़ा सा है तो 1.19. अगर वो एवरेज किस्म का है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी. अगेन यहाँ पे भी नॉमिनल के लिए वैल्यूज आपको 1 नजर आ रही है. ठीक है, देन एप्लीकेशन एक्सपीरियंस कितना है उसका, प्रोग्रामर की कैपेबिलिटीज कैसी है, वर्चुअल मशीन एक्सपीरियंस क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड करने का एक्सपीरियंस क्या है, ये हो जाएंगे टीम के पर्सनल एट्रीब्यूट. ठीक है, उससे जो है ये जो वैल्यूज हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंगली यहाँ मैनेज करेंगे. कुछ प्रोजेक्ट के एट्रीब्यूट्स भी हैं कि यूज ऑफ मॉडर्न प्रैक्टिसेस कितना अकाउंट करेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर, यूज ऑफ टूल्स कितना अकाउंट करेगा प्रोजेक्ट के अंदर, रिक्वायर्ड डेवलप शेड्यूल कितना काउंट करेगा आपके प्रोजेक्ट के अंदर,
ये तमाम चीजें जो है इनके अगेंस्ट भी हमने वैल्यूज हमें असाइन मिली है, ये वैल्यूज फिक्स वैल्यूज है, इनको आप और मैं हम चेंज नहीं कर सकते, ये वैल्यूज को हम इसी तरह से रखेंगे। अलबत्ता हमारे प्रोजेक्ट के सिनेरियो में बी की वैल्यू जो है वो चेंज हो चुकी। सो आफ्टर गेटिंग आउट द वैल्यू ऑफ बी हम आ जाते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। लेट्स से हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, एक एवरेज प्रोजेक्ट है उसकी टाइप, और उसकी जो है वो 10,000 लाइन ऑफ कोड्स हैं, 10 के LOC हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें अब ये देखना है कि हमारे पास कैलकुलेशन किस तरह से होगी। एवरेज प्रोजेक्ट है ये बात माइंड में रखें, और हमारे पास जो साइज है वो 10 के LOC है। सो उसके लिए हम फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं एफर्ट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी 3 इंटू बी इंटू, क्योंकि के एल ओ सी जो थी वो 10 थी, तो यहाँ पे वैल्यू 10 आ जाएगी, एक्सपोनेंट की पावर आ जाएगी 1.12। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे फर्दर तो ये वैल्यू इंटू 1 इंटू 13.2, इसका टोटल जो है वो रिजल्ट आ जाएगा 39.6 persons per month, PM is for persons per month, ठीक है। अब यहाँ पे हमने बी के वैल्यू, हमने कहा है कि बी इज नॉमिनल, यानी जितनी भी वैल्यूज बी के 15 के 15 फैक्टर्स थे वो सारे के सारे हमने अज्यूम किए कि वो नॉमिनल हैं। हो सकता है आपके प्रोजेक्ट में वो नॉमिनल ना हो, क्योंकि हम एक एग्जांपल की बात करें, यहाँ पे हमने इस सिनेरियो में कहा है कि बी में बी की जो वैल्यू है वो नॉमिनल है, इसलिए हमने बी की वैल्यू यहाँ पे 1 लिखी है, ठीक है। अब ये कैसे आई है, अगर हम इसको थोड़ा सा रिकैप करें, अगर आपको थोड़ा सा याद हो, हमारे पास फॉर्मूला था a इंटू बी इंटू साइज की पावर c, तो ये a की वैल्यू 3 आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, क्योंकि हमने कहा था b नॉमिनल है और नॉमिनल की वैल्यू 1 थी, साइज क्योंकि गिवन है 10,000 लाइन ऑफ कोड, और उसकी पावर जो है वो c की वैल्यू 1.12 है। ये 1.12 और 3 कहाँ से आए, ये हम आपको अगर याद हो हमारे पास वैल्यूज गिवन थी एवरेज प्रोजेक्ट के लिए, हमारे पास वैल्यू क्या थी, ए की वैल्यू 3 थी और जो सी की वैल्यू थी 1.12 थी, तो हम यही वैल्यू 3 और 1.12 यहां से ले रहे हैं एवरेज प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है। सो हमने इस तरह से अपनी एफर्ट कैलकुलेट कर ली कि हमें 39% पर मंथ चाहिए, 39.6% पर मंथ चाहिए। नेक्स्ट टाइम कैलकुलेशन की बात आ गई, हमने कहा कि टाइम के लिए 2.5 × 39.6 जो हमने कैलकुलेट की थी एफर्ट, इसको हम एक्सपोनेंट यानी रेज टू द पावर ऑफ 0.35 कर रहे हैं, और इसको जब हमने फर्दर कैलकुलेट किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई इन द फॉर्म ऑफ मंथ्स। सो हमें 9 मंथ्स रिक्वायर होंगे उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में, जो एवरेज साइज का है, और उसका जो एस्टिमेटेड साइज है वो 10,000 लाइन ऑफ कोड है, और जहां पे हमारे पास बी वाले फैक्टर्स नॉमिनल हैं, ठीक है। अब ये टाइम हमने कैसे कैलकुलेट किया, अगर अगेन इसके लिए आप रिकॉल करें इक्वेशन, तो हमने कहा था बी इंटू एफर्ट की पार ई। अब जो डी क्या था हमारे पास, अगर अगेन प्रोजेक्ट क्योंकि एवरेज था तो इसके अंदर डी की वैल्यू आपको नजर आ रही है 0.25, तो ये 0.25 हमने यहाँ रखा। एफर्ट हमने जो कैलकुलेट की थी वो ये थी, इसकी वैल्यू हमने यहाँ पे एज इट इज रख दी टू द पावर ऑफ 0.35। 0.35 क्या है, ई, ये जो ई है, ई की वैल्यू हमें यहाँ पे नजर आ रही है 0.35, तो हमने यहाँ से ले ली है। अगर हमारे पास प्रोजेक्ट एवरेज की बजाय होता कम्प्लेक्स, तो हम एम्बेडेड वाला पार्ट यूज करते, वैल्यूज एम्बेडेड वाली लेते यहाँ से। अगर हमारे पास प्रोजेक्ट सिंपल होता तो हम ऑर्गेनिक वाली वैल्यूज यूज करते, ठीक है। तब आपने ये फॉर्मूला याद रखना है, ये दो फॉर्मूलाज, एफर्ट का ये वाला और टाइम का ये वाला, और वैल्यूज आप पुट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द प्रोजेक्ट विच यू हैव। अगर आपको प्रोजेक्ट की टाइप गिवन ना हो किसी न्यूमेरिकल में, मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा गिवन सिनेरियो के हिसाब से कि आपका प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनिक बन रहा है, सेमी डिटैच बन रहा है या एम्बेडेड बन रहा है, उसके हिसाब से फिर आप वैल्यूज डिफाइन करेंगे।
वो जो हमने डिफरेंट फैक्टर्स स्टडी किए थे उनकी बेस पे आप डिफाइन कर रहे होते हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो, क्योंकि उसमें टीम जो है वो स्मॉल है तो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऑर्गेनिक बन रहा है, अगर टीम जो है वो एवरेज है और ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तो सेमी डिटैच बन रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये चीज गिवन ना हो कि प्रोजेक्ट एवरेज है या कम्प्लेक्स है या क्या है, आपको खुद कैलकुलेट करना पड़े, खुद फाइंड आउट करना पड़े कि प्रोजेक्ट एवरेज बनेगा कि कौन सा बनेगा, ठीक है। इन अबव जो एस्टिमेट्स हैं इसमें हमारे पास ना तो प्रोडक्ट प्लान था ना ही रिक्वायरमेंट्स को हमने कंसिडर किया था। अगर हम उनको भी कंसिडर करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन जो है इसमें ये वैल्यूज और ज्यादा शामिल हो जाएंगी और हमारा जो एस्टिमेट है वो ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब इस तरह से एक और एग्जाम्पल, ये जो आपने खुद सॉल्व करनी है उसमें, जैसे कि हमने कहा कि आपने खुद असेसमेंट करनी है 15 पैरामीटर्स की, और उसके बाद आपने बी की वैल्यू फाइंड करनी है कि वो नॉमिनल है या आपके पास वेरी लो है या वेरी हाई है या हाई है। उसके बाद फिर आप जो है वो उसको इम्प्लीमेंट करें कि आपकी कंपनी के कंसर्न क्या है, उनको भी मद्देनजर रखें कि हम जो पैरामीटर है उनको सही वे में इंटरप्रेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट होगी। और जो असेसमेंट का हमारे पास वैल्यूज आ रही हैं आफ्टर, वो सही वैल्यूज हैं या नहीं सही हैं। और हमें ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि हम जो लाइन ऑफ कोड का एस्टिमेट लगाते हैं कि वो 10,000 लाइन ऑफ कोड है या 12,000 लाइन ऑफ कोड है, आर बी मेकिंग द राइट एस्टिमेट और नॉट, वो कितना एक्यूरेट है वो एस्टिमेट। ये फैक्टर्स कंसिडर किए जाएंगे जब आप अपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर कोकोमो को इम्प्लीमेंट करेंगे, तो बी वेरी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स। उसके बाद आती है कोकोमो 2 की टेक्निक। कोकोमो 2 वाज एक्चुअली इवॉल्व्ड मॉडल, कोकोमो 1 को हमने फर्दर इवॉल्व किया था, उसमें चीजें ऐड की थी, कुछ फैक्टर्स मिसिंग थे कोकोमो 1 में। कोकोमो 2 प्रेजेंट किया गया था 1990s में, यानी आफ्टर 1990s। उसमें कुछ और फैक्टर्स एज्यूम किए गए थे कि प्रोडक्ट का डिजाइन भी मैटर करेगा, उसका डिटेल डिजाइन भी मैटर करेगा, कोड और यूनिट टेस्टिंग भी मैटर करेगी, इंटीग्रेशन और उसके टेस्टिंग एक्टिविटीज भी इसमें मैटर करेंगी। ये वो फैक्टर्स थे जो कोकोमो 1 में एब्सेंट थे, 2 में इनको शामिल किया गया। पॉइंट ये है कि कुछ लोग जो हैं वो स्टिल एक्सपीरियंस पे रिलाई करते हैं, ये कंपनी के जो मेन डेटा है प्रीवियस डेटा उसके ऊपर और उसके प्रोसेस के ऊपर रिलाई करते हैं, उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि इन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाए। इसलिए कोकोमो 2 जो है वो बेटर रिजल्ट हमें प्रेजेंट करता है एज कम्पेयर टू कोकोमो 1, बिकॉज इसमें ये फैक्टर्स जो हैं वो उसको ज्यादा रियलिस्टिक बना देते हैं। कोकोमो 2 जो था वो उसमें इक्वेशंस तो वही थी लेकिन कुछ फैक्टर्स और ऐड हो गए। वो ये थे कि ना सिर्फ वॉटरफॉल मॉडल एग्जिस्ट करता है बल्कि और डेवलपमेंट मॉडल्स भी एग्जिस्ट करते हैं। हमारे पास आइटरेटिव मॉडल है, इंक्रीमेंटल मॉडल है, प्रोटोटाइपिंग है, रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस मॉडल है, मल्टीपल टाइप के प्रोसेस मॉडल्स हैं। कोकोमो 1 जो था वो सिर्फ वॉटरफॉल पे बेस कर रहा था, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं होता है। आजकल हमारे पास डेवलपमेंट मॉडल्स डिफरेंट हैं, लोग डिफरेंट किस्म के मॉडल्स यूज कर रहे हैं, उनके लिए कोकोमो 1 सुटेबल नहीं रहेगा। कोकोमो 2 जो है वो डिफरेंट किस्म के मॉडल्स को इनकॉर्पोरेट करने की हमें फैसिलिटेट करता है। एस्टिमेशन जो है वो डिपेंड करेगा हमारे पास कितनी डिटेल इंफॉर्मेशन है, यानी व्हाट इज द ग्रैनुअलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन वी हैव, कितनी डिटेल तक हमारी इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। जितनी ज्यादा डिटेल होगी हमारे पास उतना ही ज्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट हम लगा सकेंगे। साइज जो है उसमें, इसमें हमारे पास दो टाइप की इक्वेशंस आएंगी, एक हमारे पास नॉमिनल एफर्ट आएगी, दूसरी आएगी हमारे पास एडजस्टेड एफर्ट। नॉमिनल एफर्ट का फॉर्मूला क्या है, ए इंटू साइज रेज टू द पावर सी, ये नॉमिनल एफर्ट आएगी। एडजस्टेड एफर्ट क्या आएगी, ए इंटू साइज सी, इस पूरे फैक्टर को आपने बी से प्रोडक्ट ले लेना है। ये दो हमारे पास वैल्यूज हम कोकोमो 2 के अंदर फाइंड कर सकते हैं कि नॉमिनल क्या आ रही है और एडजस्ट जब हमने उसे किया था वो वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है। कोकोमो 2 का जो बैकग्राउंड है, अगेन बैरी बोहेम ने इसको फर्दर इम्प्रूव किया था। अब इस सूरत हाल में हम इसके पास 80 और उससे ज्यादा न्यू प्रोजेक्ट्स का डेटाबेस था, और उसके ऊपर बेस करते बेसते सेकंड मॉडल यानी कोकोमो 2 प्रपोज किया था, जो जिसके अंदर उसने और फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट किए थे। जो हमने कहा था कि हमने नॉमिनल एफर्ट और एडजस्टेड एफर्ट फाइंड करनी है
ये हमने इसमें जो प्रीवियसली हमने थ्री मॉड्स यूज किए थे, सो हमने थ्री मॉड्स को रिमूव कर दिया और ये फाइव फैक्टर्स शामिल कर दिए, और जो सी की वैल्यू है वो ये फैक्टर्स डिफाइन करेंगे कि वैल्यू क्या है, प्रेसिडेंटेडनेस कितनी है, उसकी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है ये डिफाइन करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है प्रोजेक्ट की, रिस्क कितना इन्वॉल्व है, टीम कितनी ज्यादा फोकस्ड है ये बात, और प्रोसेस कितना मेच्योर है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ये फाइव फैक्टर्स जो हैं उसके ऊपर हम सी की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास है एडजस्टेड एफर्ट, वो फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं फंक्शन पॉइंट्स इंस्टेड ऑफ यूजिंग लाइन ऑफ कोड। सो जो बी वाला फैक्टर आपको यहाँ पे नजर आ रहा है उसकी एस्टिमेशन आ जाएगी हमारे पास सेवन टाइप के कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, प्रोडक्ट रिलायबिलिटी, रीयूजेबिलिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट्स, प्लेटफॉर्म की डिफिकल्टी लेवल कितना है, पर्सोनल्स के क्या सूरत हाल है, उनका एक्सपीरियंस कितना है, उनकी फैसिलिटीज कौन कौन सी इनको अवेलेबल हैं, और स्केड्यूल कितना है। इन सेवन फैक्टर्स के ऊपर ये कॉस्ट ड्राइवर्स हैं, बी की वैल्यू कंसिस्ट करेगी, यानी बी की वैल्यू डिफाइन की जाएगी। ये है हमारे पास अर्ली एस्टिमेशन अगर हमें लगानी है, अभी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट नहीं है और अभी हमारे पास इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं है, अभी हमने एनालिसिस नहीं किया, तो हम एक रफ एस्टिमेट लगा लेते हैं कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एंड हाउ मच एफर्ट्स विल इट बी नीडेड। ये हमारा है अर्ली एस्टिमेट के लिए, ये सेवन कॉस्ट ड्राइवर्स यूज करेंगे हम। अगर हमने आफ्टर, यानी लेट्स से हमने एस्टिमेशन भी लगा ली है, हमने रिक्वायरमेंट्स भी थॉरली गैदर कर ली हैं, और हम ये चाहते हैं हमने आर्किटेक्चर भी बना लिया है, नाउ अगेन वी वांट टू एस्टिमेट दैट हाउ मच टाइम विल इट बी नीडेड। सो हम उसके लिए जो है वो सेवन की बजाय 17 कॉस्ट ड्राइवर्स यूज करेंगे। कोकोमो 2 में ये दो इक्वेशंस हमारे पास हैं, यानी हमने नॉमिनल एफर्ट भी फाइंड करनी है और एडजस्टेड एफर्ट भी फाइंड करनी है। उसमें सी का जो वैल्यू थी वो हमारे पास इन फैक्टर से आएगी, और इस इक्वेशन में जो बी की वैल्यू है वो या तो अगर हमने अर्ली एस्टिमेट लगाना है तो सेवन कॉस्ट ड्राइवर्स फैक्टर्स हैं उनसे आएगी, या अगर हमने लेट एस्टिमेट लगाना है यानी आफ्टर डेवलपमेंट ऑफ द आर्किटेक्चर हमने एस्टिमेट लगाना है, तो हमारे पास ये 17 कॉस्ट ड्राइवर्स होंगे जिनकी मदद से हमारे पास ये एस्टिमेट आ सकता है, बी के वैल्यू आ सकती है। अब ये जो हमने कोकोमो 1 का एस्टिमेशन थी वो कैसे करते हैं उनको तो स्टडी कर लिया है, कोकोमो 2 की कैलकुलेशंस के लिए अब आपको कुछ पार्ट ये सेल्फ स्टडी में करना पड़ेगा। एक पेपर आपको मैं बता रही हूँ, इसमें कम्प्लीटली पूरा प्रोसेस बताया गया है कि स्टेप बाय स्टेप लेके कैलकुलेशंस परफॉर्म की गई हैं। आप इस लिंक से पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और उनके कैलकुलेशंस को व्यू कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो हमारा लेक्चर ये यहाँ तक, ये कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछें। जी अब्दुल कुदूस, एनी क्वेश्चन यू हैव? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बोल रहा था कि हमारे पास तीन तरह के प्रोजेक्ट्स हैं जी, ऑर्गेनिक, सेमी एंड एम्बेडेड, और इनके जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यू जो है वो भी फिक्स्ड है। दिस मीन हमारे पास अगर एवरेज प्रोजेक्ट आता है और कई तरह के एवरेज प्रोडक्ट हैं और उनके सब की वैल्यू तो सेम है, तो इस मीन अगर उनका टाइम कैलकुलेट करेंगे वो भी सेम निकलेगा। जी अब्दुल कुदूस का क्वेश्चन ये था कि अगर हमारे पास डिफरेंट किस्म का प्रोजेक्ट हैं और दो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऑर्गेनिक टाइप के हैं, लेट्स से एक हमारे पास एंड्रॉयड एप्लीकेशन है और एक हमारे पास डेटाबेस है, और दोनों ही लेट्स से ऑर्गेनिक टाइप के हैं या सिंपल टाइप के हैं, तो उसमें ये वैल्यूज तो फिक्स रहेंगी। जी बिल्कुल, ये वैल्यूज फिक्स रहेंगी। तो हिज क्वेश्चन वाज के दोनों के एस्टिमेशन भी सेम आएगी। जी दोनों की एस्टिमेशन भी सेम आएगी, लेकिन उसमें जो फैक्टर्स डिफर कर सकते हैं वो आपको पता है कि वो फैक्टर है वो बी वाला फैक्टर है। बी वाला फैक्टर जो है उसका कॉफिशियंट की अगर हम आते हैं आगे, तो ये हमारे पास 15 पैरामीटर्स है जिनकी बेस पे हम डिफाइन करते हैं। अब जरूरी नहीं है कि अगर आपकी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है उसके अंदर आपकी रिलायबिलिटी की रिक्वायरमेंट इतनी ही ज्यादा हो, या अगर आपके पास एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या डेटाबेस है उसके अंदर आपके पास हो सकता है ये चीज जो है वो हाई हो। अब उसकी वजह से ये जो वैल्यूज आपको बी की वैल्यूज में काउंट करनी पड़ेंगी या जो आप ऐड करेंगे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ये बी की वैल्यू जो है वो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेंगे, डिफरेंट डिफर होंगी। उसकी वजह से जो आपके पास इक्वेशन में अगर हम वापस जाएं तो यहाँ पे बी की वैल्यू जो डिफर करेगी उसकी वजह से आपकी एफर्ट भी, देयर इज हाईली likely that B की value भी differ करेगी, तो आपकी total effort भी जो है वो vary करेगी, ठीक है।
जब एफर्ट वेरी करेगी तो एफर्ट यहाँ पे आ रही है टाइम में, तो उसके अकॉर्डिंगली टाइम भी वेरी करेगा। दूसरी एक और चीज भी है कि कोकोमो वन मॉडल ऑल्दो जितना मर्जी हम कहेंगे डिटेल है, उसमें कुछ फैक्टर्स मिसिंग हैं। उसी की वजह से कोकोमो टू मॉडल जो था वो प्रपोज किया गया था, जिसके अंदर हमने कहा था कि हमें ये कुछ और फैक्टर्स जो हैं उनको भी शामिल करना है। प्रोडक्ट का डिजाइन मैटर करेगा, डिटेल डिजाइन मैटर करेगा, कोड और यूनिट टेस्टिंग और इंटीग्रेशन टेस्टिंग मैटर करेगी। उसकी वजह से जो है वो जो फैक्टर्स ऑलरेडी मिसिंग थे कि एक एंड्रॉयड ऐप वर्सेस दूसरी ऐप में डिफरेंस नहीं आ रहा, तो वो ये वाला फैक्टर्स जो है वो कोकोमो टू कवर करता है, इसलिए ज्यादा बेटर है ये। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चन? नो मैम। अब्दुल कुद्दूस आपको क्लियर है? इफ ही इज देयर, आई एम नॉट श्योर इफ ही इज हियर और नॉट। नहीं है मैम। चले, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई क्वेश्चन तो प्लीज पूछें, अदरवाइज फिर मैं सेशन को यहीं पे स्टॉप कर दूंगी। मैम बैक वो टेबल कीजिएगा। ओके जी। इसमें मैम ये जो वैल्यू दी है ये फिक्स है कि आपने आपकी जो भी होगी तो आप इसमें से वो चूज कर लोगे वैल्यू? जी ये फिक्स वैल्यूज हैं। और पीछे एबीसी की वो भी फिक्स्ड है, वो भी आपकी फिक्स्ड ही रहेंगी, बस आपने डिसाइड करना है आपका कौन सा है प्रोजेक्ट। जी बिल्कुल, प्रोजेक्ट कौन सा है वो डिसाइड करना है, उसके बाद जो बी की वैल्यूज हैं वो हैं तो फिक्स्ड ही, लेकिन अब आपको नहीं पता कि आपके सिंपल प्रोजेक्ट के अंदर सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी आपको किस हद तक चाहिए। अगर थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बी की वैल्यू 0.75 हो जाएगी। अगर ज्यादा रिक्वायरमेंट है एक सिंपल प्रोजेक्ट में भी, तो उसकी वैल्यू बी की वैल्यू 1.40 हो जाएगी। आपने यहाँ से चूज करना है, इनको डिसीजन आपने लेना है। ऑल्दो ये वैल्यूज फिक्स्ड हैं, बट आपने ये खुद एनालाइज करना है कि हमारे प्रोजेक्ट में डेटाबेस साइज कितना मैटर कर रहा है, प्रोडक्ट की कम्प्लेक्सिटी कितनी मैटर कर रही है, एग्जीक्यूशन टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं या नहीं है, ये तमाम जो 15 एलिमेंट्स हैं इनके बारे में, यानी इनकी इनका लेवल क्या है, वेरी लो है या वेरी हाई है, एक्स्ट्रा हाई है, ये हमने डिसाइड करना है। और ये प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करेंगी। अलबत्ता आपने कह दिया लो है तो उसकी वैल्यू ये गिवन है, ये फिक्स्ड है। कि एक से ज्यादा फैक्टर भी हो ही सकते हैं? ज्यादा होंगे, डेफिनेटली होंगे। यस मैम। ठीक है, ठीक है मैम। एनी अदर क्वेश्चन? मैम जो सिनेरियो था वो दिखाइएगा एक मिनट, जिसके ऊपर लिखा हुआ था एवरेज है हमारा जो आपने हल किया था कोकोमो का, ये वाला, ये इसमें मैम वो आगे लिखा हुआ ना प्रोजेक्ट ऑफ 10 किलो, ये पहले दिया, ये दिए होगी वैल्यू? हाँ जी ये गिवन है, हमने यही कहा था कि आप कंसिडर करें आपके पास एक एवरेज प्रोजेक्ट है और उसकी 10,000 लाइन ऑफ कोड है, ये गिवन है वैल्यू। लाइन ऑफ कोड हाँ जी, हम खुद भी देख सकते हैं कि कितनी है वो, तो वो फिर अगर लेट्स से आपको गिवन नहीं है ना एग्जांपल में, या आपको केस स्टडी में गिवन नहीं है या बताया नहीं गया, तो फिर आपको खुद एस्टीमेट लगाना पड़ेगा, एक रफ एस्टीमेट लगा लें या अज्यूम कर लें, सपोज कर लें कि वैल्यू ठीक है। यस मैम, ठीक है। लेकिन अगर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, या तो हमें गिवन होगा या फिर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी जिससे आप एस्टीमेट लगा सकेंगे कि इसकी लाइन ऑफ कोड कितनी हो सकती है। यस मैम। मैम ये चीज मुश्किल नहीं होगा कि आप इसमें से फाइंड करें कि ये आपका कौन सा बनेगा, एवरेज है या एम्बेडेड है? ये तभी तो हमने यहाँ पे इतना डिटेल से डिस्कस किया है, यही तो पर्पस था इसको डिटेल से डिस्कस करने का, कि मैंने एक फैक्टर डिस्कस किया है कि आपके पास ये जो फैक्टर्स हैं आपको या तो ऐसी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी जिसकी वजह से आप ये इन फैक्टर्स का अंदाजा लगा सकेंगे कि इनकी जरूरत हमें क्यों है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे पास एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, अब एंड्रॉयड एप्लीकेशन लेट से आप स्टैटिक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना रहे हैं, उसमें रिलायबिलिटी तो आपको डेफिनेटली जो है वो हाई चाहिए होगी, ये बात तो फॉर श्योर है, या आप वेरी हाई भी कर सकते हैं कि आपको रिलायबिलिटी वेरी हाई भी आप हाई कर लें या वेरी हाई, आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, दोनों बात सही हो सकती है। लेकिन इसमें डेटाबेस एक स्टैटिक एप्लीकेशन में इसकी जरूरत नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे ये नहीं डेटाबेस की जो वैल्यू है आपको वेरी हाई नहीं चाहिए, आपको हाई भी नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, उसका फैक्टर आप कंसिडर ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये जो चीजें आपको इस तरह से एस्टिमेट लगाना पड़ेगा कि जो प्रोजेक्ट मैं बनाने जा रहा हूँ वो डेटाबेस है, वो एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, वो एक वेब एप्लीकेशन है, उसके अंदर टाइम कंस्ट्रेंट्स हैं या नहीं है, उसके अंदर हमारा वीएम जो है वर्चुअल मशीन का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा, मोस्टली में नहीं यूज होगा। ठीक है,
तो मेन मोस्टली में हमारे पास स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स नहीं होंगी, कुछ में होंगी. सो ये जैसे हमारे एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनते हैं उसमें स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स मैटर करती हैं कि उसका साइज जो है हम ज्यादा बड़ा नहीं रख सकते बिकॉज जो मोबाइल्स हैं उसमें हमारे पास मेमोरी स्मॉल होती है. तो स्टोरेज कंस्ट्रेंट्स हमारे पास हाई होंगी या वेरी हाई होंगी. हम इनमें से कोई वैल्यू या एक्स्ट्रा हाई भी हम कर सकते हैं. लेकिन अगर एक हमारे पास एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है उसमें स्टोरेज कंस्ट्रेंट नहीं होंगी ज्यादा इंपॉर्टेंट. तो या आप नॉमिनल रख लें या आप जो है वो लो या वेरी लो की तरफ आ जाएं, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है. ठीक है, तो यही तो हमारा काम है बीइंग अ प्रोजेक्ट मैनेजर के, हमने एस्टिमेट लगाना है कि इनमें से जो 15 जो फैक्टर्स हैं इसमें किसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए. मैम ये जो टेबल है, अगर कोई सिनेरियो दिया जाता है क्वेश्चन में, ये टेबल की वैल्यू हमें याद करनी पड़ेगी या टेबल प्रोवाइड किया जाएगा? याद नहीं करनी पड़ेगी, टेबल आपको गिवन होगा या पार्ट ऑफ द कुछ वैल्यूज आपको गिवन होंगे जो आपसे रेलेवेंट होंगे, उनमें से आप सिलेक्ट कर लेंगे खुद ही. यस मैम. ठीक है, आपको याद करने की जरूरत नहीं है वैल्यूज. ठीक है मैम, थैंक यू. वेलकम. एनी अदर क्वेश्चन? चलें ठीक है, हम यहीं पे स्टॉप करते हैं अपना क्वेश्चन एंड आस्किंग सेशन. Yes, ma'am. Thank you so much. Allah Hafiz.